स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। जो लोग नए हैं उन्हें बता दे, हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लॉकपन टीवीज के ऊपर, उसके फीचर्स एक्सप्लेन किए थे, स्पेसिफिकेशंस एक्सप्लेन किए थे और उस पर काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी ईमेल्स आए आपके। किन लोगों ने बोला कि ब्लॉकपन टीवीज बेस्ट है, किन लोगों ने कहा MI TVs बेस्ट है, किन लोगों ने कहा VU TVs बेस्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ब्लॉकपन, VU, थॉम्सन, MI ये सब बजट ब्रांड्स हैं, ये बेस्ट नहीं हो सकते। हाँ, ये अपने बजट में काफ़ी अच्छे हैं लेकिन ये बेस्ट टीवीज नहीं है। इन्हें आप ब्रांड्स जैसे सोनी और LG के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। जो टीवी होती है, टीवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले कैसे आता है? डिस्प्ले आता है LED पैनल से। जो बजट ब्रांड्स हैं वो कभी भी अच्छा LED पैनल नहीं लगाते। आप कभी भी देखिए, जो बजट ब्रांड्स होते हैं वो अपनी टीवीज को जब प्रमोट करते हैं वो फीचर्स प्रमोट करते हैं। वो बोलते हैं हमारी स्मार्ट टीवी है, इसमें हमारा एंड्रॉयड ये है, हमारे में 3 HDMI पोर्ट है, 3 USB पोर्ट है, ब्लूटूथ है, साउंड बार हम साथ में दे रहे हैं, हरमन गार्डन का ब्लॉकपन का साउंड बार दे रहे हैं साथ में, इससे आप ब्लूटूथ से आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो। इसी फीचर्स को प्रमोट करते हैं, ये डिस्प्ले को प्रमोट नहीं करते। ये नहीं बोलेंगे कि हमारी टीवी का डिस्प्ले शार्प है, कलर्स ब्राइट हैं, विविड हैं, ये सब कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो LED पैनल्स लगे हुए हैं ये अच्छे नहीं लगे हुए हैं। आप सोनी और LG के LED पैनल्स जो देखेंगे वो बहुत बढ़िया होते हैं। ये जो बजट ब्रांड टीवीज हैं, साइड बाय साइड इनके सोनी और LG टीवीज को रख दें और हम कंपेयर करें साइड बाय साइड, तो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा, जो पिक्चर क्वालिटी होगी, जो शार्पनेस होगा, वो सोनी और LG बहुत बहुत बढ़िया तरीके से दिखाएंगे बजट ब्रांड से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। बजट ब्रांड्स अपने बजट में अच्छे हैं लेकिन वो बेस्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी जो LED पैनल्स होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती है। एक और बात मैं कहूँगा कि एक टाइम था, एक आध डेढ़ साल पहले, जहाँ पे बजट ब्रांड्स और ऐसे सोनी, LG, सैमसंग जैसे ब्रांड्स में जो प्राइस डिफरेंस था बहुत ज़्यादा था। आपको ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट में आपको सोनी, LG और सैमसंग मिलते थे, या डबल से ज़्यादा। तो तभी एक एक पॉइंट लेके चलते थे, यार इतना आपको डबल देना है, आपको दुगना से ज़्यादा देना है, तो चलो हम ये बजट टीवीज ले लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन अभी सोनी, LG, सैमसंग ने भी अपनी प्राइजेस घटा दिए हैं। मैंने मार्केट में जब रिसर्च किया तो मुझे जो VU की टीवीज ले लें और LG की टीवीज ले लें या सोनी की टीवी, इतना प्राइस डिफरेंस नहीं दिखा। जहाँ VU की टीवीज मुझे 40-45,000 में मिली थी, तो मुझे LG की टीवी 55-60,000 में मिल रही थी। तो 30-40% का डिफरेंस हो रहा है अभी। जहाँ डबल होता था, 100% डिफरेंस होता था, यहाँ अभी 30-40% का डिफरेंस हो गया है। टीवी जो हम लोग घर पे लेके आते हैं वो अक्सर 3-4-5-6-7 साल भी चलती है। तो अगर हम 7 साल चलने वाली चीज़ को घर पे लेके आ रहे हैं तो क्यों नहीं थोड़ा सा 30-40% ज़्यादा दे और टॉप क्वालिटी खरीदें, जहाँ जो बेसिक चीज़ है, जो डिस्प्ले है, जो टीवी जिसके लिए मानी जाती है, जिसे हम एक्चुअली देखते हैं, जो डिस्प्ले है वो अच्छा दिखे, जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं वो अच्छा दिख रहे, ना कि दूसरे जो फीचर जो हम शायद यूज़ करेंगे। 3 HDMI पोर्ट है, यार हम तो एक ही HDMI पोर्ट यूज़ करने वाले, 3 USB पोर्ट है, हम तो एक ही USB पोर्ट यूज़ करने वाले, तो वो इतना मैटर नहीं करता है, डिस्प्ले ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप 30-40% पैसा ज़्यादा दे के अगर आप टीवी पे खर्च करते हो और ऐसी टीवी लेके आते हो जो आपके घर में 6-7 साल चलेगी और जिसका डिस्प्ले इतना बढ़िया होने वाला है कंपेयर करेंगे बजट टीवी से, तो मेरे हिसाब से आपको वो डिसीजन लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे के अच्छी ब्रांड की टीवी लेनी चाहिए। दोस्तों, यही मेरा कहना था। जिन लोगों ने काफी ये सवाल पूछे हैं, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा कि ये जो बजट ब्रांड्स के हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि व्यू बेस्ट है, ब्लॉकपन बेस्ट है, MI बेस्ट है, ये सब बेस्ट बिल्कुल नहीं है। ये अपने बजट में ठीक ठाक हैं, काफी अच्छे हैं। अगर आपका एकदम ही स्ट्रिक्ट बजट है तो डेफिनेटली आप इनमें से कोई ले सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी देख रहे हैं तो आपको ये टीवी क्वालिटी नहीं देने वाली है। क्वालिटी आपको सिर्फ सोनी, LG और शायद सैमसंग भी फिलहाल तो इतना अच्छा नहीं कर रहा है टीवी मार्केट में, लेकिन सोनी और LG आपको 100% क्वालिटी और फुल सैटिस्फैक्शन देंगे कि आपने बहुत बढ़िया टीवी लिया, आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। और टीवी के साथ ही हम अगर रह रहे हैं तो यहाँ पे सुमित जी ने पूछा है कि आप कभी टीवी की
अनबॉक्सिंग कीजिए और रिव्यू बताइए, जरूर करेंगे हम अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ आपको रिव्यू बताएंगे और अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे टॉप ब्रांड का, या तो वो सोनी की टीवी होगी या तो फिर एलजी की टीवी होगी, और साथ ही साथ आपको इन्हें कंपेयर भी करेंगे हम बजट ब्रांड के साथ और आपको बताएंगे आप थोड़े से पैसा देकर ज़्यादा देकर आपको क्या क्या मिल सकता है और कैसा रह सकता है आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस। तो ये सब हम आपको बताएंगे, ये फ्यूचर में आने वाला है वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। मोहम्मद आरिफ जी पूछते हैं कि जी शॉक की सेम घड़ी के डिफरेंट कलर्स के प्राइस डिफरेंट क्यों हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आरिफ जी। जीशॉक अक्सर क्या करता है, एक जब वो घड़ी निकालता है मार्केट में उसके कुछ स्टैंडर्ड कलर्स निकालता है, 3-4 कलर्स निकालता है, उसके बाद जाके वो आजकल तो हर वॉचेस के ब्लैक एंड गोल्ड आ रहे हैं और रोज़ गोल्ड कलर्स आ रहे हैं, कुछ अलग से हटके कलर्स भी फिर बाद में निकालता है। तो मैंने जो नोटिस किया है वो क्या करता है कि जो स्टैंडर्ड कलर्स से कुछ 10% ज़्यादा प्राइस में गोल्ड और रोज़ गोल्ड कलर बेचता है, और उसके बाद जो हटके कलर्स निकलते हैं जो थोड़े से अलग कलर्स होते हैं वो थोड़े से स्टैंडर्ड कलर से थोड़े सस्ते में वो बेचता है। तो वो आप क्यों करता है वो तो मुझे नहीं पता, उनकी अलग से स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन कुछ ऐसे ही कुछ फॉलो होता है। गोल्ड और रोज़ गोल्ड स्टैंडर्ड कलर से थोड़े महंगे होते हैं, और जो थोड़े से हटके कलर होते हैं, जो स्पेशल कलर्स होते हैं, जैसे रेड एंड ब्लैक हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ऐसे कुछ निकाल दिया उसने, तो वो थोड़े से सस्ते होते हैं। अब कलर्स तो क्या है, हर एक की पसंद अलग होती है, हर एक की चॉइस अलग होती है। अगर आपको ऐसे कोई हटके कलर पसंद आते हैं और आपको मॉडल भी पसंद है तो भाई आपका ही फ़ायदा है, बस आपको आँखें खुली रखनी है और ख़रीद लेनी है। क्योंकि हम स्पेशल कलर की बात कर रहे हैं तो GA 700 के कुछ स्पेशल कलर मॉडल्स हैं जिन पे अभी 20% डिस्काउंट मिल रहा है अमेज़न पे, आपको वो सुपर डील सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा। अगला सवाल शालिनी जी का है, वो कहते हैं कि आप अलग अलग चीजों पे वीडियो बनाते हो, कभी घूमते हो, कभी प्रोडक्ट्स पे बनाते हो, तो कुछ बता सकते हो क्या फ्यूचर में आने वाला है। शालिनी जी बहुत ही बढ़िया सवाल है, फ्यूचर में कौन से वीडियोस आने वाले हैं, ज़्यादा आगे का तो मैंने सोच के नहीं रखा है, लेकिन 2-3 वीडियोस मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक MI Band 3 के ऊपर वीडियो आने वाला है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बता दूंगा। जीशॉक के कुछ नए मॉडल्स हैं, उसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगा, कि गिम्बल्स के ऊपर वीडियो आ जाएगा, एक गिम्बल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, गिम्बल कैसे यूज़ करना है, उसके वो पर्टिकुलर गिम्बल जिसकी अनबॉक्सिंग करेंगे उसके रिव्यू कैसे हैं, हमारा उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो आपको बता देंगे। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं, इसके बाद आगे का तो मैंने इतना प्लान किया नहीं है, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा छोटा था इस बार लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन सुपर डील्स है आपके लिए। और जैसे कि मैंने कहा था आपको कि स्पेशल कलर GA 700 के घड़ियां पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिख जाएंगी घड़ियां, और डिस्क्रिप्शन में इनके बाइंग लिंक्स हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं क्लिक करके। साथ ही साथ जिन लोगों को DSLR कैनन के DSLR कैमरा लेने का शौक था, 77D कैनन और कैनन 80D जो बहुत ही बढ़िया कैमराज हैं, जो करीबन 77D करीबन 70,000 का मिलता था, 80D करीबन 90,000 का मिलता था, प्राइजेस काफ़ी रिड्यूस हो चुकी हैं। 77D आपको 57,000 में आ रहा है, 80D आपको अराउंड 71-72,000 में आ जाएगा, इनके भी आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। दोस्तों शायद इनकी प्राइजेस क्यों रिड्यूस हुई है, क्योंकि नए मॉडल आने वाले, कैनन 90D आने वाला है, लेकिन कैनन 80D 77D बहुत ही बढ़िया कैमराज है, सुपर हिट कैमराज हैं, और इतने कम प्राइस में कितने मॉडल्स बाकी बचेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली, ये टाइम है आपका खरीदने का। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो लोग नए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, जय हिंद।